नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके गुजरात का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों, आप सभी को बता दें गुजरात में किसकी बनने जा रही है सरकार। आखिरकार दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस ओपिनियन पोल की शुरुआत हमने आप ही कमेंट लेकर किया है, जो कि आपने पिछले वीडियो में अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट किए थे, उनको देखते हुए इस बार हम जनता सर्वे लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछली बार जो आपने कमेंट किए थे उनकी परसेंटेज के हिसाब से हम आपको बताने वाले कि इस बार गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये ओपिनियन पोल हर बार हम आपके कमेंट से ही बनाते हैं। पर दोस्तों, आप भी किस पार्टी को जिताना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में अभी मौजूदगी में बीजेपी सरकार मौजूद है और इस मौजूद का पूरा फायदा उठाएगी। पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को क्या पूर्ण बहुमत के साथ फिर से मौका मिलेगा जीतने का? यहाँ दोस्तों देखा जाए तो गुजरात के अंदर बीजेपी के जलवे अभी तक चल रहे हैं। पर दोस्तों, इन जलवों को देखते हुए क्या बीजेपी को गुजरात की जनता एक बार फिर से मौका देगी? और इस मौका देगी तो क्या बीजेपी सरकार ऐसे क्या दावे पेश करेगी जिससे अपनी अगली सरकार बना सके? पर दोस्तों, यहाँ पर अगली सरकार बनाने के लिए नई रणनीतियाँ और नए दावे पेश करने पड़ते हैं, जबकि बीजेपी के पास ऐसे कई रणनीतियाँ और दावे हैं जो कि हर बार बीजेपी अपने अलग अलग दावों के साथ अपनी अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। और जैसे कि हम देखता है कि बीजेपी कांग्रेस को हराते हुए हर बार अपनी जीत को पक्की कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर 10 साल से केंद्र में राज करने वाली पार्टी क्या गुजरात में इस बार भी जीत पाएगी? ये दोस्तों देखने वाली बात है। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो पिछली बार आप सबने देखा था कि कांग्रेस के ऐसे कोई दावे टिक नहीं पाए थे बीजेपी के सामने। पर दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए इस बार की तो इस बार कांग्रेस कुछ नए फॉर्म में आई है और इस नए फॉर्म का क्या फायदा उठा पाएगी? पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात की, राहुल गांधी की बातों से कुछ जनता नाराजगी जता रही है। पर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी हमें ऐसा देखने को मिला है। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी? पर दोस्तों, यहाँ पर दो ही पार्टियां हैं और दो ही पार्टियां अपने जोरों शोर से तैयारी पे लगी चुकी हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया। पर दोस्तों, यहाँ पर बात करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी व अपडेट मिलते रहेंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आप अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी टीम का नाम जरूर लिखिएगा और अपनी पार्टी के नाम के आगे आप अपने राज्य, शहर, जिले और कहाँ से हैं ये भी हमें बता दिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि गुजरात में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। पर दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर गुजरात के पहले जिले की तरफ। तो अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4, जबकि इन्हें खत्म में भी एक सीट जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ पर अमरेली की 5 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को फिर से एक ही सीट मिल रही थी दिखाई दे रही, जबकि इन्हें खत्म में 0। वही दोस्तों, आनंद की 7 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात की 33 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 7 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अरावली की 3 सीटों के बारे में बात करते, यहाँ पर 3 में से बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को 1 ही मिल रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0। पर वही बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात करते, यहाँ पर बीजेपी 6 के मोहम्मद के साथ है तो वही कांग्रेस को 3 ही मिल रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर भरूच की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 का 5 पूरा बहुमत यहाँ पर बीजेपी खाते में जाता हुआ दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर फिर से 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात की 50 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 38 सीटों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें ही मिल रही है। वही दोस्तों, अन्य 1 के साथ सहमत है। पर दोस्तों, यहाँ पर अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो बोटाड की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बंटवारा होना तय है। दोस्तों, दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ पर छोटे उदयपुर की 3 सीटों में से यहाँ पर भी बंटवारा होगा और बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 1 से ही सहमति करनी पड़ेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0 जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ पर दमोह की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 4 का बहुमत लेगी। पर दोस्तों, यहाँ अन्य खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात की 68 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 50 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलेगा, जो कि अच्छी खासी लीड पर दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात को 17 सीटों से काफी पीछे बताया जा रहा है। पर दोस्तों, यहाँ अन्य खाते में भी 1 का बहुमत जाएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर अगले जिले के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर डांग की 1 सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर पूरा बहुमत बीजेपी खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 0 तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों के साथ बंटवारा होगा और 1-1 सीट दोनों को मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों का बहुमत मिलेगा, जबकि कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाएगी। पर दोस्तों,
यहाँ पर गुजरात की 76 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 55 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है, तो कांग्रेस को सिर्फ 19, तो अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो वही कांग्रेस को 1, तो अन्य खाते में फिर से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों जामनगर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ जूनागढ़ की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 4 सीटें मिलेगी, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा दोस्तों, अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 90 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 65 सीटों का अच्छी खासी लीड के साथ पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23, तो अन्य खाते में 2। पर दोस्तों यहाँ पर हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो कच्चा की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट से सहमति होगी, तब दोस्तों अन्य खाते में 0। पर दोस्तों खेड़ा की 6 सीटों में से वही बीजेपी को 5 सीटों का अधिकतम बहुमत मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों महसाणा की 7 सीटों में से यहाँ पर फिर से बीजेपी को 5 सीटों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ गुजरात की 109 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो कि अच्छी खासी लीड के साथ दिखाई दे रही, वही कांग्रेस को सिर्फ 27 पे, तो अन्य खाते में भी 2 सीटें जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महीसागर की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी, पर दोस्तों यहाँ अन्य खाते में 0 सीट जाएगी। पर दोस्तों यहाँ मोरबी की 3 सीटों में से 3-3 पूर्ण बहुमत बीजेपी खाते में जाएगा, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 जाएगा, तो अन्य खाते में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर नर्मदा की 2 सीटों में से यहाँ पर पूरा का पूरा बहुमत बीजेपी को मिलेगा, जबकि 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर फिर से 0 से ही संतुष्टि मिलेगी, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 117 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 87 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है, तो वही कांग्रेस को सिर्फ 28, तो अन्य खाते में 2 सीट ही जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर हम अगले जिले के बारे में बात करें तो नवसारी की 4 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 में से बीजेपी को 3 मिलेगी, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 से ही सहमति लेनी पड़ेगी, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0। पर दोस्तों पंचमहल की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 3 सीटें मिलेगी, तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 2, तो अन्य खाते में यहाँ पर भी 0 सीट ही जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो पाटन की 4 सीटों में तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 2, तो कांग्रेस को भी 2 सीट बराबर मिलेगी, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 ही जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 130 सीटों के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 95 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल चुका है और अच्छी खासी लीड भी मिल चुकी है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 33 सीटों से ही काफी पीछे है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो पोरबंदर की 2 सीटों में से यहाँ पर फिर से बंटवारा होगा और दोनों पार्टी को 1-1 का बहुमत मिलेगा, जबकि अन्य खाते में 0। पर दोस्तों राजकोट की 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें जाएगी, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 2, तो अन्य भी 1 सीट लेकर जाएगा। पर दोस्तों साबरकांठा की 4 सीटों में से यहाँ पर फिर से बहुमत में बंटवारा होगा और 2-2 सीटों का बहुमत मिलेगा, जबकि अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 144 सीटों में यहाँ पर बीजेपी बाजी मारते हुए 103 पर है, तो वही कांग्रेस कहीं 38 पर भटक रही है, पर दोस्तों अन्य खाते में भी 3 सीट जाएगी। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो सूरत की 16 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट ही जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1, तो अन्य खाते में भी 1 सीट जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर तापी की 2 सीटों के बारे में बात की, यहाँ पर बंटवारा होगा और दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 167 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 119 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो कि अच्छी खासी लीड के साथ है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 43 सीटें ही मिल रही हैं, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 5 सीटें जाएगी। वही दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो वडोदरा की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत 10 सीटों का सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को नरसाजनक 0 पर, तो अन्य खाते में भी 0। पर दोस्तों वेलसाइड की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 4 सीटें तो सिर्फ बीजेपी अपने नाम कर रही है, पर दोस्तों यहाँ कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात की 182 में से 182 की बात करें तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 133 के साथ जीत का आंकड़ा पार कर रही है, पर दोस्तों यहाँ पर 182 में से बीजेपी अकेली ही 133 सीटें लेकर बैठी है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस तो 2/4 पीछे है। पर दोस्तों यहाँ जैसे बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कोई आधे से ही मेल तेल नहीं है, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 5 सीट जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जनता सर्वे के मुताबिक आज विधानसभा चुनाव होते हैं गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है और बिना किसी आपत्ति से 133 सीटें ले सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में भी 5 सीटें जा रही। पर दोस्तों आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या मानना है, क्या आखिरकार बीजेपी इस बार फिर से अपनी सीट पूर्ण बहुमत के साथ ले आएगी, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पिछली बार कहा था और हमने ओपिनियन पोल की निर्णय लिया था। पर दोस्तों इस बार आप लोग कमेंट
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आकर बताएगा कि इस बार क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव होते हैं तो 133 सीटों के साथ अपना पूर्ण बहुमत बना सकती है। पर दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएगा। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप कौन से राज्य जिले और शहर से हैं बता दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सी सरकार को सपोर्ट मिल रहा है। वही दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारा द्वारा मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके इस ओपिनियन पोल के बारे में। और मिलता है अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।